नमस्ते, मैं अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है, अभी जो हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग को क्या करता हूँ, हम लोग को हमारा जो कुछ लोड क्रिटिकल लोड है उसी को कभी भी जो पावर बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग को क्या करता हूँ, जो डीजल जनरेटर बैकअप के लिए डीजल जनरेटर, फिर यूपीएस हम लोग को जो यूज करता हूँ, लेकिन जो यूपीएस है ना कुछ माइक्रो सेकंड भी उसका क्या है, जो पावर इंटरप्ट तो नहीं होना चाहिए। उसी के लिए आदमी लोगों को क्या है, जो यूपीएस को जो सेलेक्ट करता है, पर अगर यूपीएस आप यूज करने से यूपीएस का बैकअप जो एक्सटर्नल बैटरी है, वही बैटरी लेड एसिड बैटरी रखा और नहीं तो दूसरा कुछ एलईबी बैटरी रखा और दूसरा कुछ बैटरी भी हो सकता है। अभी हमारे वीडियो में क्या है, अभी पूरा वर्ल्ड में आप लोग को देखने से ज्यादा आदमी लोग को सील्ड मेंटेनेंस वीआरएलई बैटरी जो आदमी लोग को यूज करता है, मतलब वही बैटरी को अभी का टाइम में जो क्या करता है, आदमी लोग को पूरा जो बंद करके जो एलआईबी को जा रहा है, मतलब लिथियम आयन बैटरी को जा रहा है। किस लिए जा रहा है बोल के आप पूछने से ज्यादा आदमी लोग को पता देखा, वो तो ज्यादा स्पेस लग जाएगा मतलब लेड एसिड बैटरी के लिए, लेकिन एलआईबी के लिए उतना जो स्पेस तो नहीं चाहिए, थोड़ा कम स्पेस रहने से भी हम लोग को जो लगा सकता है बोल के पता देगा। वही एडवांटेज है क्या उसका, छोड़ के अगर कुछ एडवांटेज है कि नहीं उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाला है। उसका पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद भी एक बेल बटन पे हो जाते हैं उसको भी दबा दीजिए, अगर दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो लगाना से आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अंदर चलेंगे क्या क्या जो एडवांटेज है बोल के। ये तो इंट्रो वीडियो, मतलब कोई भी आदमी आके तो क्या क्या एडवांटेज है, किस लिए जो जा रहा है बोल के आपको पूछने से वो बोल सकता है। मैं एक एक का जो एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट फुटप्रिंट, जो स्पेस में जो बोला है ना, जो लेड एसिड बैटरी को ज्यादा तो स्पेस चाहिए, मतलब स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग थ्री स्ट्रिंग फोर वॉट एवर जो ज्यादा स्पेस उसके लिए चाहिए, लेकिन जो एलईबी के लिए उतना जो स्पेस तो नहीं चाहिए, कम स्पेस जो रहने से भी हो जाएगा। दूसरा टेम्परेचर फॉर ऑपरेशन, अभी जो बैटरी जो अच्छा से जो ऑपरेट होने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ टेम्परेचर को जो उधर में मेंटेन करना चाहिए, जो बैटरी हम लोग को किधर रखा है उधर में जो मेंटेन करना है, अगर जो वीआरएलई वाल्व रेगुलेटर बैटरी जो रहने का जगह पे 25 to 28 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर को मेंटेन करना है, लेकिन एलआईबी में 40 डिग्री सेल्सियस तक आप लोग को रहने से भी उसका क्या है ऑपरेशन जो अफेक्ट नहीं होगा, वो मैन्युफैक्चरर भी वो डिफाइन कर रहा है जो 0 to 40 डिग्री सेल्सियस तक जो हो सकता है बोल के। दूसरा क्या है, डिजाइन लाइफ, जो डिजाइन लाइफ बोलने से जो लेड एसिड बैटरी का जो डिजाइन लाइफ 3 to 7 इयर्स ओनली इसका लाइफ है, उसके बाद में इंपोर्टेंस वाली ज्यादा हो जाएगा, कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाएगा, नहीं तो ओपन हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एलईबी का है 10 to 15 इयर्स तक हम लोग को यूज करता है, जो लेड एसिड को कंपेयर करने से उसी का फुटप्रिंट टेम्परेचर एंड डिजाइन लाइफ सब कुछ ज्यादा है। ठीक है, फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्केल, ये तो जो लेड एसिड बैटरी का एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्केल वेरी कम है, मतलब बहुत कम है, क्यों बोलने से उसका जो लेड है ना, जो लेड इसको कंपोजिशन में जो हो जाता है, इसलिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्केल कम है, एलईबी को ऐसा तो नहीं है, इसलिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्केल हाई। फिर सिस्टम वेट, ये तो ज्यादा जो वेट रहेगा ये तो इसमें आधा ही रहेगा, आधा तो कम रहेगा, आधा भी नहीं रहेगा, आधा भी कम रहेगा। फिर बीएमएस देखने से आप लोग को क्या है, इधर जो लेड एसिड बैटरी में भी आदमी लोग को जो उसका वोल्टेज उसका इंपेडेंस वैल्यू को तो दे सकता है, लेकिन वो ऑप्शनल है, वो डिफॉल्ट में नहीं आएगा, आप बाहर से मंगा के बीएमएस में मॉनिटरिंग सिस्टम को लगा के आप लोग को चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो एलईबी बैटरी में ऐसा तो नहीं है, जो डिफॉल्ट में जो आ जाता है, ठीक है, ये तो ऑप्शन है, लेकिन वो एलईबी में डिफॉल्ट में आ जाता है, मतलब इंडिविजुअल सेल मॉनिटरिंग दे सकता है, इंडिविजुअल रैक मॉनिटरिंग दे सकता है, इंडिविजुअल मॉड्यूल दे सकता है, इंडिविजुअल मॉड्यूल को जो मॉनिटरिंग कर सकता है, सब कुछ मॉनिटर कर सकता है, रैक मतलब रैक को मॉनिटर कर सकता है, फिर मॉड्यूल को मॉनिटर कर सकता है, फिर सेल को मॉनिटर कर सकता है एलआईबी में। फिर रिचार्ज टाइम देखने से इसका रिचार्ज होने के लिए अगर डिस्चार्ज तो वो ही, फिर डिस्चार्ज करने के लिए कम से कम आपको आधा दिन चाहिए, मतलब 8 to 12 hours चाहिए, लेकिन ये तो 1.5 to 3 hours में क्या है एलआईबी चार्ज हो जाएगा, वो रिचार्ज टाइम बहुत कम है। फिर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल को आप देखने से इसको 200 to 400 का जो रिचार्जिंग साइकिल जो हो जाएगा, लेकिन जो एलआईबी ना मोर देन 1000 रिचार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल रहता है, मतलब हो सकता है। फिर टीओसी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप सेविंग फॉर 10 इयर्स, उसी में कुछ ना कुछ सेविंग तो नहीं है, लेकिन एलआईबी में 10 to 30% का जो सेविंग होता है वो विद रेस्पेक्ट टू आपका यूपीएस केवीएन कैपेसिटी। अभी आप लोग को बोल सकता है सर ये तो एलआईबी तो ज्यादा तो कास्ट है, आप लोग को कैसे जो सेविंग आएगा बोल के पूछ सकता है, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, ये 3 साल का नहीं तो 6 साल का एक बार जो चेंज कर रहा है उसी का रेट, फिर इसी का रेट जो कंपेरिजन करके देख लो, कम से कम आपको जो 10 to 30% का सेविंग वो आ जाता है। फिर जो बीएमएस ओके पहले भी तो बता दिया। फिर प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन आप लोग देखने से इसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं है, मतलब जो डीसी ब्रेकर दो रहेगा, मतलब ज्यादा कुछ डीसी ब्रेकर से फिर आपको यूपीएस को चला जाएगा, खाली डीसी ब्रेकर रहेगा। वो डीसी ब्रेकर वो डीसी बस का जो प्रोडक्शन के लिए ओवर, अगर हम लोग बैटरी को जो जो हाथ रख के चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो उसका डाउन साइज करना पड़ेगा, उसी के लिए जो डीसी ब्रेकर है उसी का छोड़ के दूसरा कुछ प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन एलईवी में ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, थर्मल रन अवे, फिर इंपैक्ट प्रोडक्शन, ओवर चार्जिंग का प्रोडक्शन, फिर क्या है उसमें जो डीसी ब्रेकर होता है ना उसमें शंट कॉइल रखे, उसमें बीएमएस पे भी आप ऑन ऑफ जो कर सकता है, उसी हिसाब उतना प्रोडक्शन सिस्टम जो एलईवी में हो जाता है। सो कंपेयर विथ वॉल्व रिलेटेड डिटैच्ड बैटरी, जो एलईवी ज्यादा कुछ एडवांटेज है, इसलिए आदमी लोग को ज्यादा लोग को जो एलईवी को जो अभी जो मूव हो जाता है, मतलब जो उसको लाने के लिए जो इंटरेस्ट बहुत कर देता है। ठीक है, अभी इसका छोड़ के ज्यादा कुछ एडवांटेज है, हम लोग दूसरे वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करने से भी आपको भी देखने के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरे को भी बोलने के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरे के लिए होगा लेकिन आप लोग का नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है, चीज क्या है इसका केमिस्ट्री, मतलब जो एलईबी का ज्यादा तो केमिस्ट्री जो हो जाता है, ज्यादा कुछ ट्यूम हो जाता है, एनोड को एथोड सेपरेट है, फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट, उसी के बारे में भी हम लोग को डिस्कस करने वाला है। ये वीडियो में नहीं, दूसरा वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है, जो उसी के बारे में अगर कुछ ज्यादा कुछ डिस्कस करना चाहिए तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कुछ ना कुछ डाउट रहने से भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। हम लोग को दूसरा वीडियो में इसके बारे में हम लोग को आपका फीडबैक को देखिए हम लोग को डाल देंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना है, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।